साथियों, ये हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जिसका समय 5 मिनट का है। स्टार्ट। इस सोच में हर्ज नहीं, लेकिन उसे कांग्रेस ने दलित हित के नाम पर जिस तरह जातिवादी राजनीति की, उससे उसका भला भी नहीं हुआ और जातीय विभाजन की जड़ें भी गहरा गईं। दलितों के मामले में कांग्रेस की दिखावे की राजनीति के कारण ही बसपा और साथ ही अन्य जाति आधारित क्षेत्रीय दलों को पनपने का मौका मिला। औरों से अलग दल की छवि के प्रति चिंतित भाजपा को कांग्रेस की भूलों से बचने के साथ ही यह देखना होगा कि उससे जुड़ा कोई संगठन ऐसा कोई काम न करने पाए जिससे पार्टी जाति विहीन समाज के निर्माण के अपने सपने से दूर जाती दिखे। भाजपा के शीर्ष नेता और खुद प्रधानमंत्री समाज के सभी वर्गों के विकास और उनके बीच भाईचारे का जो संदेश दे रहे हैं, उसे लगता है कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं। भाजपा की इसी कमजोरी का फायदा उसके विरोधी दल उठा रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है, लेकिन विपक्षी दलों को यह सोचना चाहिए कि क्या दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर पीड़ित परिवारों के साथ फोटो खिंचाने मात्र से दलितों का उत्थान हो जाएगा। दलितों के उत्थान के लिए सामाजिक सोच में बदलाव की आवश्यकता है। यह सोच तब बदलेगी जब राजनीतिक दल देश के हर नागरिक को समान दृष्टि से देखेंगे। यदि राजनीतिक दल यह चाहते हैं कि दलित उत्पीड़न थमे, तो फिर उन्हें दलित हितों की चिंता के नाम पर दिखावा करना और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना बंद करना होगा। दलित उत्पीड़न की घटनाएं सामाजिक बुराई का पर्याय हैं और यह बुराई संसद या सड़क पर दिखावे की राजनीति से खत्म नहीं होगी। सरकारों की विफलता के खिलाफ सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का आधुनिक और ग्लोबल माध्यम
बन गया है, जहाँ कई बार बिंदास बोलो से सनसनी फैलाई जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लगातार नया सीखने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकॉन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।